वेलकम टू ड्रॉपशिपिंग एपिसोड 3। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कैसे काम करता है? इस व्यापार में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर तीन लोग मुख्य रूप से होते हैं। मैन्युफैक्चरर का काम प्रोडक्ट्स को बनाकर स्टॉक में रखना और ग्राहक तक भेजना होता है। रिटेलर मतलब आपका काम ऑनलाइन स्टोर बनाकर प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पर लिस्ट करना और विज्ञापन करके बेचना होता है। कस्टमर आपकी वस्तुओं को खरीद कर उपयोग करता है। इस प्रोसेस में आप मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को आपके ब्रांड नेम के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके ऑनलाइन बेचते हैं और जब ग्राहक आपके ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट्स खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर आपके नाम प्रोडक्ट्स को ग्राहक तक पहुंचता है। यदि ग्राहक को प्रोडक्ट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है या फिर उसको कोई उत्पाद वापस करना होता है तो वह रिटेलर अर्थात आपसे संपर्क करता है। ऑनलाइन के जरिए होने वाले इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह की इन्वेंटरी की मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उत्पादों को रखने के लिए किसी स्टोर गोडाउन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में आपको ना तो ऑर्डर किए गए उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की परेशानी उठानी पड़ती है। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में मुख्य रूप से आप जो उत्पाद बेचते हैं आप उन उत्पाद के मालिक नहीं होते हैं। दरअसल इस व्यापार में आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं या फिर किसी अन्य शॉपिंग की वेबसाइट के साथ मिलकर अपने उत्पादों को बेचते हैं। अपने ऑनलाइन स्टोर के जरिए आप कई तरह के उत्पादों को बेच सकते हैं और जब इन उत्पाद को खरीदने का ऑर्डर आपके पास आता है तो आप इस ऑर्डर को उस उत्पाद को बेचने वाले सप्लायर को भेज देते हैं, जिसके बाद वो सप्लायर आपकी कंपनी की तरफ से उस उत्पाद को सप्लाई कर देता है। इस तरह से ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कार्य करता है। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इसके बारे में पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाके देख सकते हैं।